हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ये एक्सेल 2016 वीडियो का नंबर 6 ट्यूटोरियल है। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इफ फंक्शन के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के बारे में, बेसिकली लुकअप फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लुकअप फंक्शन एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है, वी लुकअप, एच लुकअप और नॉर्मल लुकअप। वी लुकअप में वर्टिकली लुकअप कर सकते हैं, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली, और लुकअप में कोई भी एंगल से आप लुकअप कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, आइदर वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मैंने टाइप किया है, ये एक्चुअली, तो हम इसको लुकअप करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ईजी हो। यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने और इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, आपको ईजी होगा समझना। अच्छा, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में लिख लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर है और इसके बेस में ये डेटा है। हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नंबर हम दे देते हैं तो उसका सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये बेसिकली लुकअप फंक्शन है। तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हो, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाद में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी लुकअप। हम ये यहाँ पे वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो डेटा ये वर्टिकली है, इसलिए। तो वी लुकअप यहाँ पे बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, मतलब किसको हम लुकअप करेंगे। हमको लुकअप करना होगा ट्रांजेक्शन नंबर को, क्योंकि इसके ज़रिए ये सब डेटा है, इंफॉर्मेशन। और इसको आपको फिक्स करना होगा कलम वाइज, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये जो सेल है ये यहाँ पर आए, मतलब मूव हो कॉलम वाइज। तो इससे हम कॉलम को फिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है टेबल, कौन सा टेबल, टेबल में ये इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, तो इस टेबल में है। और इसको भी ऑब्वियसली आपको फिक्स करना ही होगा, नहीं तो ये टेबल यहाँ पे चल जाएगा, वो लोग हम लोग नहीं चाहते हैं। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या होगा अब ये थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में मांग रहा है कि कौन सा कॉलम में ये डेटा है। तो फॉर एग्जांपल ये जो डेट है, ये इस टेबल का कितना नंबर कलम में है, 1 2, तो 2 नंबर कलम में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट है, तो हम बेसिकली एग्जैक्ट चाहिए, मतलब पार्शियल मैच नहीं चाहिए, एग्जैक्ट ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डेट फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको इसका डेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आ गई है, ये आ गया। लेकिन हम लोग जब इसे देख करेंगे, देखिए यहाँ पर भी डेट आ गया ऑल्टी वाइज। तो देखिए क्यों आ गया, क्योंकि ये स्टिल कलम 2 में ही है, कलम नंबर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली कलम नंबर क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, और यहाँ पे 4, क्योंकि 4 नंबर कलम में है, और सिर्फ 3 नंबर में है, ये एक्चुअली जीआरएल में होगा। ठीक है, नंबर भी कर सकते हैं। तो देखिए यही बेसिकली कॉलम इंडेक्स नंबर है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन हम तो ये टाइप तो नहीं करेंगे, हमको एक वन शॉट में करना होगा। तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉलम b2। तो कॉलम b2 लिखा मैंने, तो देखिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये इसको आप जस्ट करेंसी में कर देंगे। तो देखिए जब ये सेल चेंज हुआ b2, तो कॉलम b2 का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ col कॉलम b2, मतलब 2 b कौन सा नंबर कॉलम है, 2 नंबर कॉलम है। अगर c2 लिखता तो क्या होता, 3 नंबर कॉलम है। ऐसे करके ये चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली कॉलम फंक्शन है, ये रो को नहीं लेगा, वो कॉलम को ही लेगा, ये बेसिकली कॉलम फंक्शन का काम है। ठीक है, ये आप रो में भी आप कर सकते हैं, रो यहाँ पे नहीं लगा, रो एक्चुअली एच लुकअप में काम में आएगा। तो मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, अगर मैं b2 लिखा तो देखिए 2 आएगा, अगर मैं c2 लिखा तो 2 ही आएगा, लेकिन अब अगर मैं b3 लिखा तब 3 आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर कलम में है, b3 का ये 3 नंबर कलम है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये 3 नंबर कलम है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा वी लुकअप। उसके बाद हम देखेंगे एच लुकअप कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे,
इस टेबल को हम कॉपी इस टेबल के ऊपर ही करेंगे तो ये इजी होगा। आप दूसरा कोई टेबल भी कर सकते हैं जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेज स्पेशल करेंगे, यहाँ पे पेज स्पेशल है, यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूँगा और इसको ऑल्ट एच ओ आई कि ऑटोमेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे हमने पेज कर दिया, इसको हम सपोज ये वाला करते हैं, ठीक है, ये आ रहा है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लिखेंगे एच लुकअप, एच लुकअप में भी सेम है, लुकअप हम इसको करें। यहाँ पे हम लोग रो को फिक्स करेंगे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये रो वाइज मूव करे, हम लोग चाहे कि ये एक जगह में फिक्स रहे। आप पूरा भी फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो हम ये कर दिया, उसके बाद हम कॉमा देंगे, टेबल में भी सेम होगा। आप हेडिंग भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको हेडिंग लेके ही कर रहा हूँ, इसको भी फिक्स करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है कि रो इंडेक्स नंबर, कौन सा रो में ये डेटा है, फिर बेसिकली डेट, डेट कौन सा रो में है, दो नंबर रो में है, तो यहाँ पे दो लिखेंगे, लेकिन हम दो नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर मैं दो लिखा जब चेक करूँगा तो ये आंसर एक ही आएगा, तो हम लोग लिखेंगे रो बी टू, रो बी टू, दो नंबर रो कोई लेगा, मतलब नंबर वाला कोई लेगा, उसके बाद हम लेंगे ज़ीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। आप टू टू आई मीन फॉल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉल्स चूज कर लिया। इंटर करेंगे तो देखिए ये आ रहा है क्योंकि डेट वैल्यू अलग है, इसको हम डेट कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या होगा डेट ना, हाँ ये वाला, तो देखिए आ गया। अब अगर मैं इसको कोई भी सपोज 74 कर दूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यही बेसिकली एच लुकअप और वी लुकअप था बेसिकल, और ये वाला एग्जैक्ट मैच के लिए होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्शियल मैच आप कैसे वी लुकअप और एच लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया है पार्शियल वी लुकअप के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हाँ यहाँ पे हमको ग्रेड निकालना होगा, ठीक है, नंबर ये जो मार्क्स है मार्क्स वाइज ग्रेड है, मतलब अगर 0 से 30 हुए तो डी, 30 से 60 हुए तो सी होगा, 60 से हुआ तो बी, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो ए। एक्चुअली इसको हम 80 कर देते हैं, हाँ अब हुआ तो ये बेसिकली हुआ, और 80 से ज़्यादा हुआ तो ए होगा, तो ये बेसिकली हम लोग चाहते हैं। तो हम करें यूज़ करेंगे वी लुकअप बाटी का लिया है, लुकअप वैल्यू का हम किसको चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे इस मार्क्स को, इसको हम कुछ फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं चाहते बेसिकली, हम लोग ये कलम वाइज मूव नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं फिक्स करेंगे। और टेबल एरे में ये होगा क्योंकि यही मेरा इन्फॉर्मेशन टेबल है, और इसको ऑब्वियसली फिक्स करना ही होगा F4 से। कलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, आप कलम बी टू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे होगा अप्रॉक्सीमेट मैच जो कि है 1, और आप जो भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 ही टाइप कर रहा हूँ। तो देखिए ये सी हुआ, तो देख सकते हैं जब 90 है देखिए 80 से ज़्यादा है ए, 80 और 80 से ज़्यादा है देखिए ए, सी है 70, मतलब 60 से 80 हुआ तो मतलब 60 से 79 हुआ तो बी, तो देखिए बी हुआ। तो यही बेसिकली बिल्कुल आपका पार्शियल मैच, अब ये एच लुकअप भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, तो मैं इससे नहीं दिखा रहा, लेकिन ये जो पार्शियल वाला मैच है ये एक्चुअली बिल्कुल में ज़्यादा काम में आता है। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं और छोटा सा मैं आपको चार्ट वाला दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे आप क्विकली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, मैं वो वाला भी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट एक और दो मैं वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं एक्सेल का एक मैजिक ट्रिक्स वाला एक सीरीज लाऊंगा जहाँ पर मैं एक्सेल का थोड़ा मैजिक दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम चार्ट करेंगे, तो चार्ट करने के लिए हम लोग इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली इसको पूरा सेट करेंगे और हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट में यहाँ पे देखिए बहुत सारा चार्ट है, आप पिवट चार्ट भी कर सकते हैं, डिफेंस है कि पिवट चार्ट चार्ट में डिफेंस है कि पिवट चार्ट में जो है वो डेटा समराइज होता है, इसलिए हम लोग पिवट चार्ट को ही बेसिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम पहले चार्ट करेंगे नॉर्मल चार्ट, उसके बाद पिवट चार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा चार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कलम वाला कर रहा हूँ,
यहाँ पे डेटा में गड़बड़ है आई थिंक, क्योंकि ये हेडिंग नहीं ले रहा है एक्चुअली। ये काम करता हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज चार्टर में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा मैनेज हो रहा है ये, आप इसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे चार्ट टाइप, डेटा शेयर कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ सेल्स चाहे, सॉरी एक्चुअली सेल्स रेसिपी चाहे, और ये उसका डेटा है, तो हम इसको ओके कर देंगे। बेसिकली इसलिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कुछ नहीं सिलेक्ट किए, तो हम सिलेक्ट डेटा में जाके इसको चूज़ करेंगे क्योंकि अमाउंट मुझे चाहिए। अब ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख देखिए ये जो ट्रांजेक्शन नंबर और डेट वाइज ये पूरा आपको जो सेल्स है वो दिखा देगा। लेकिन ये चार्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग करेंगे पिवोट चार्ट। तो मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको चूज़ किया, ओके प्रेस किया और इसको टिक करिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ओके प्रेस किया और यहाँ पे जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके पिवोट चार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिवोट चार्ट और टेबल। आप ये भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं यही कर रहा हूँ, पिवोट टेबल भी आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काम कर तो यहाँ पे ही कर रहा हूँ। अगर आप न्यू वर्कशीट में करेंगे तो यहाँ पे चूज़ करेंगे न्यू वर्कशीट, अगर इस पे ही आप करेंगे तो एग्जिस्टिंग, तो मैं भी एग्जिस्टिंग ही कर रहा हूँ, ओके करके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज अ डेटा बुक शीट वन यू विल रिप्लेस हियर, ओके ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक आएगा पूरा, तो यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करना है। हम चाहे कि सेल्स रेसिपिएंट डिवाइस, हम सेल्स चाहे, तो देखिए ये समराइज होके आ गया, क्योंकि तीनों आइटम है ये एक्चुअली, बेसिकली तीनों, ये बेसिकली तीनों आइटम ही है, इसलिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ही आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली पिवोट चार्ट है और ये पिवोट टेबल है, पिवोट टेबल में भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वो इफेक्ट होगा, आप इसको सपोज आप डेट को भी चाहते हैं, तो देखिए ये डेट वाइज भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट है। आप ये जो चार्ट का है ये आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिज़ाइन में जाकर आप इसको जो कलर है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टकट में आप चेंज कर सकते हैं, मैं सब ग्रीन वाला चाहता हूँ, आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ पे आप जो एलिमेंट्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, डेटा लेवल को दे सकते हैं, सपोज़ मैं एन में चाहता हूँ, कॉल आउट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल आउट कर रहा हूँ। लेजेंड कहाँ पे आप देना चाहते हैं, यही बेसिकली लेजेंड है, मतलब जो टोटल वाला, इसको लेजेंड कहते हैं हम, गाइडलाइन हम नहीं यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, फिर भी दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे टेबल भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, अगर मैं सिलेक्ट किया ये वाला डेटा टेबल। आप यहाँ से डायरेक्ट आप चाहे कि आप इस चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप पाई चार्ट कर लीजिए, पाई चार्ट कोई भी चार्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पाई चार्ट कर रहा हूँ, मतलब जो राउंड वाला शेप होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम डेटा लेवल चाहते हैं, तो डेटा लेवल हम डेटा कॉल आउट भी कर रहे हैं। तो यही बेसिकली एक सिंपल ओवरव्यू ऑफ चार्ट, आई मीन पिवोट चार्ट और पिवोट टेबल। तो इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो को यही तक छोड़ते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सीखेंगे, मतलब एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सोचा कि नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे सिंपल वाला डेटा वैल्यूएशन और सीखेंगे क्या और सीखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है, वही डेटा वैल्यूएशन में हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यही तक रोकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस, एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, थैंक यू।